पारस जी भी 16 तारीख से आभार यात्रा पर जा रहे हैं। ये सारी शुभकामनाएं भाई। दूसरी टीम पार्टी और परिवार दोनों टूट रहा है, क्या कैसे जोड़ेंगे भाई? पार्टी टूट रही है तो मैं नहीं मानूंगा, टूट रही है। पांच सदस्यों को अगर आप, तो भैया किस तरीके से आप काम करवा रहे हैं? और गुणवत्ता की जहाँ तक बात है, आज प्रदेश जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, आज मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में भी हूँ, जिस तरीके से बड़े इलाके बाढ़ से प्रभावित है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है ना भाई? हर साल बाढ़ आती है हमारे प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री बड़े खुश होकर बोल रहे थे कि नहीं नहीं अभी तो परिस्थिति और ज्यादा भयावह होगी। तो भैया जब आपको इतनी भविष्यवाणी की जानकारी है कि और भयावह होगी, तो 15 साल से आप कर क्या रहे? पिता रामविलास पासवान के सपने को पूरा करने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ आज उनका आशीर्वाद यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंचा। चिराग पासवान के आशीर्वाद यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी जोश नजर आ रहा था। और आपको बता दें कि चिराग के आशीर्वाद यात्रा में युवाओं का समर्थन ज्यादा मिल रहा है। गाजीपुर से उन्होंने अपने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके बाद कई जिलों का दौरा करने के बाद आज वो मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। उनके पहुंचते ही हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। चिराग पासवान इसी कड़ी में नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। चिराग ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता का जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री को नहीं मिला है, लेकिन किसी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर जनता का जनादेश मिलता तो वो तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होते। उन्होंने इस दौरान मध्यवर्ती चुनाव होने के भी संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकसभा से पहले मध्यवर्ती चुनाव होगी तो उसमें गठबंधन की सरकार बनाने में लोजपा की अहम भूमिका होगी। हालांकि चिराग पासवान ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि आखिरकार वो यूपीए के साथ होंगे या फिर एनडीए के साथ। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के दूसरे गुट पशुपति कुमार पारस गुट के महासचिव और प्रवक्ता सुधीर ओझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को फ्लॉप बताया था। जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की, और ये आशीर्वाद यात्रा को बिहार के हर एक जिले से होते हुए गुजरना है। शुरुआत हम लोगों ने हाजीपुर से की और उसके बाद कई जिलों से, लगभग 14-15 जिलों से होती हुई ये यात्रा आज मुजफ्फरपुर पहुंची है। पर इस क्रम में एक चीज जो निरंतरता में बनी रही है, वो मिल रहा अपार जन समर्थन। भले हम लोग बेगूसराय में हो, समस्तीपुर में हो, खगड़िया में हो, पूर्णिया में हो, नवादा में हो, नालंदा में हो, कटिहार में हो, बेतिया में हो, मोतिहारी में हो, जमुई में हो, शेखपुरा में हो, जहां 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 से गया में हो, जहां से भी ये यात्रा गुजरी है। और आप लोग टोकिएगा मुझे अगर मैं किसी भारी शब्दों का इस्तेमाल करूं, क्योंकि आप सबके कैमरे साक्षी हैं। जो एक जन सैलाब इस यात्रा को मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। इससे पहले मैंने खुद कभी मैंने किसी भी और नेता की या किसी भी और उसमें इस तरीके से एक जन सैलाब को, इस तरीके से लोगों के हुजूम को मैंने नहीं देखा। और यकीनन ये जन सैलाब मुझे इस बात का विश्वास मेरा बढ़ाता है कि जिस संकल्प को मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी मुझे सौंप कर गए थे, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को, मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उस संकल्प को बिहारियों के इस आशीर्वाद से हम लोग धरातल पर उतार पाएंगे। 12 करोड़ बिहार वासियों का आशीर्वाद लेने मैं निकला हूँ। ये यात्रा हम लोग को पहले भी करनी थी। जिस तरीके से पिछले विधानसभा के चुनाव में लगभग 6% का समर्थन हम लोग को विधानसभा के चुनाव में मिला था, वो भी तब जब हम लोग 100+ सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर हम लोग पूरी की पूरी 273 अगर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव, तो ये 6% का मत 12-14% का होता, और आज 15% वाले बिहार में मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसीलिए जिस तरीके से इस यात्रा में हम लोग को समर्थन मिल रहा है, एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगामी मध्यावधि चुनाव में, मैं इस बात पे मैं थोड़ा सा जोर डालकर बोलूंगा, आगामी मध्यावधि चुनाव में, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि लोकसभा से पहले बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, जिस तरीके से मौजूदा सरकार के सहयोगियों के ही बीच में एक टकरार देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से बिहार वासी पूरी तरीके से आक्रोशित है, भैया एक बात तो स्पष्ट है ना कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहारियों ने मुख्यमंत्री बनने का उन्होंने जनादेश नहीं दिया था।
अगर जनादेश दिया होता तो आज ये तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती, अगर जनादेश दिया होता तो 50% से कम इनके विधायक नहीं हो गए होते। तो ये बात स्पष्ट है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनने का जनादेश 2020 नवंबर में जो चुनाव हुए थे, जो परिणाम आए थे, उसमें कम से कम इनको मुख्यमंत्री बनने का जनादेश नहीं था। पर उसके बावजूद परिस्थिति वर्ष बोले या किसी के आशीर्वाद प्राप्त की वजह से बोले, कारण जो भी हो, आज की तारीख में जब ये पुनः मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो जनता में आक्रोश है, नफरत करती है जनता इनकी नीतियों से, और इस बात का एहसास जहां जहां हम लोग जा रहे हैं उस बात का एहसास हो रहा है। सबसे बड़ी बात, दो जो बड़े बिंदु जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि भैया मेरा जीरो टॉलरेंस है क्राइम और करप्शन को लेकर, और बिहार अगर सबसे ज्यादा त्रस्त अगर किसी चीज से है तो वो क्राइम और करप्शन को लेकर ही है। बिहार में कोई एक दिन ऐसा नहीं है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार में हत्या नहीं हो रही हो किसी ना किसी जिले में। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहा है, डकैती हो रही है, लूटमार हो रहा है, जनप्रतिनिधि तक यहां पर अब सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से कटिहार में सिटिंग मेयर की हत्या कर दी गई, भैया इससे बड़ा क्या होगा दुखद, या इससे ज्यादा अपराधियों का मनोबल और क्या बड़ा होगा कि आप एक मेयर की आप दिन दहाड़े आप हत्या कर देते हैं, खुलेआम उनके सीने पे 3 गोलियां दाग देते हैं। और इसी तरीके से साल डेढ़ साल पहले वहां पर एक और मेयर की ऐसी हत्या हुई थी, जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी अनिल उमराव की अपहरण कर 2 दिन तक अपहरण करके रखा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। हम लोग मिले थे महामहिम राज्यपाल जी से, उनके संज्ञान में हम लोगों ने पूरा विषय दिया है कि किस तरीके से अपराध से बिहार पूरी तरीके से त्रस्त है, इसमें जरूरी और जिम्मेदारी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही बनती है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रदेश के वो गृह मंत्री भी हैं। और साथ ही में जो दूसरा दावा वो करते हैं जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, भाई अगर करप्शन की परिकाष्ठा अगर किसी प्रदेश में होगी तो बिहार में, बिहार में आप लोग भी सब साक्षी हैं, गवाह हैं, दिल पे हाथ रख के बता दीजिए क्या कोई एक सरकारी काम है जो बिना घूस दिए होता हो बिहार में? सिर्फ घूसखोरी, बिना घूस के कोई फाइल आपकी बाएं से दाएं नहीं जाएगी, कोई काम आपका नहीं होगा। तो क्या ये तमाम बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं दिखती? झूठे दावे उनसे करा लीजिए, झूठे वादे उनसे करवा लीजिए, सात निश्चय भ्रष्टाचार की बिहार के इतिहास में आने वाले समय में जब जांच होगी तो ये दावे के साथ मैं कहता हूं बिहार के इतिहास में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी योजनाओं में सात निश्चय होगा। नल जल योजना हो, नली गली हो, भैया आप जाके देख लीजिए, जल जगह टूटती पहले, तो भैया किस तरीके से आप काम करवा रहे हैं। और गुणवत्ता की जहां तक बात है, आज प्रदेश जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित है, आज मैं यहाँ मुजफ्फरपुर में भी हूँ, जिस तरीके से बड़े इलाके बाढ़ से प्रभावित है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं है ना भाई? हर साल बाढ़ आती है हमारे प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री बड़े खुश होकर बोल रहे थे कि नहीं नहीं अभी तो परिस्थिति और ज्यादा भयावह होगी। तो भैया जब आपको इतनी भविष्यवाणी की जानकारी है कि और भयावह होगी, तो 15 साल से आप कर क्या रहे हैं? 15 साल से बिहार में बाढ़ आती है और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते रहते हैं। अगले साल फिर लिख लीजिए हेलीकॉप्टर इस समय के लिए बुक होगा हवाई दौरा करने के लिए। भाई कितना हवाई दौरा कीजिएगा? तटबंध बनते हैं हर साल, ये भ्रष्टाचार की अगली में आपको बड़ा खुलासा वो बता रहा हूं, हर साल तटबंध बनते हैं, राज्य सरकार से पैसा वहां पे जाता है। भाई ऐसे कैसे तटबंध आप बनाते हैं कि अगली बरसात से पहले ही वो टूट जाते हैं? नतीजन कटाव होता है, पानी गांव में घुसता है, घरों में जाता है। तो अगर आप इन सब चीजों की जांच नहीं कराएंगे, मुख्यमंत्री की नाक के नीचे चीजें होती है, तो या तो हम लोग माने कि मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है इन तमाम जितने भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और संरक्षण नहीं प्राप्त होता तो भैया इतने बड़े बड़े कांड हमारे प्रदेश में होते कैसे हैं? अपराधी खुलेआम घूमते हैं, शराबबंदी कानून पे ये बुनाते नहीं थकते, बोलते नहीं थकते। किसको नहीं मालूम कि भैया खुलेआम शराब मिलती है? किसको नहीं मालूम है? सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़कर, क्योंकि वो एक ऐसे हवा महल में बैठे हुए हैं, उससे बाहर निकलते नहीं है, वहां पर उनको सुनाई दिखाई नहीं देता, वहां पर वो वही देखते सुनते हैं जो उनके अधिकारी उनके आसपास दिखाते हैं। तो वो दिखाते हैं कि भैया सब बहुत अच्छा चल रहा है मुख्यमंत्री जी, बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है, तो जो लोग जहरीली शराब से भर रहे हैं वो कहां से आ रही है शराब? जो तस्करी हो रही है शराब की वो कैसे हो रही है? शासन प्रशासन का संरक्षण है या डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संरक्षण है? ये तमाम विषयों की जांच होनी चाहिए। इसीलिए साथियों आज इस आशीर्वाद यात्रा में आप सबके माध्यम से, जहां एक तरफ मैं मुजफ्फरपुर की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा इतने सारे प्यार के लिए और इतने बड़ी तादाद में, और खास तौर पर युवा और महिलाओं का मैं धन्यवाद करूंगा, जिस उम्मीद के साथ युवा मेरे साथ जुड़ रहे हैं,
और जिस उम्मीद के साथ महिलाएं अपना आशीर्वाद दे रही हैं, बुजुर्ग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मेरा विश्वास बढ़ाता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी और जो मध्यावधि चुनाव होंगे उसके बाद जो परिणाम आएंगे अगली सरकार बनने में लोक जनशक्ति पार्टी की एक अहम भूमिका होगी। नाम कुछ अवैध नियुक्तियां जरूर ये लोग कर रहे हैं जिसके खिलाफ विभिन्न प्रदेशों में हम लोग आज से कल तक हम लोग याचिका हम लोग डालेंगे और उस पर हम लोग रोक लगाने का काम हम लोग करेंगे। पारस जी भी 16 तारीख से आभार यात्रा पर जा रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। दूसरी टीम पार्टी और परिवार दोनों टूट रहा है, क्या कैसे जुड़ेंगे भाई? पार्टी टूट रही है तो मैं नहीं मानूंगा, टूट तो रही है। सिर्फ 5 सदस्यों को अगर आप बोले लोग से पार्टी बना के रखी थी भाई, जहाँ लाखों लोग पूरे देश भर में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जुड़े हैं और आज की तारीख में भी अगर मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करूं तो 95% लोग हम लोग के साथ हैं। जिला अध्यक्षों की बात करूं 95% हम लोग के साथ हैं। तो पार्टी में अगर आप बोलेंगे, हाँ एक ग्रुप कुछ महत्वाकांक्षी लोगों का वो जरूर लगा हुआ है। चुनाव में असर पड़ेगा इससे? चुनाव हाथ कंगन को आरसी क्या भाई, चुनाव जैसे ही सर पे आएंगे पता